वाइस प्रेसिडेंट आरपी टंडन जी, आरपी टंडन सॉरी, मैं इस संस्था से वर्ष 1917 से जुड़ा। तब ये संस्था जो थी इसमें इतना ज़्यादा हमारा बच्चे वगैरह नहीं थे, चार बच्चे थे यहाँ पे, और कार्यकारिणी भी बड़ी नहीं थी। तो हम लोग जब यहाँ पे आए और हमने ये संस्था में देखा कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो वर्ष 1917 में जेजे एक्ट जो था वो लागू था, और जेजे एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत इस संस्था को वहाँ पे रजिस्टर करवाना, डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हमने प्रयास किया, तो उनकी कुछ बहुत फॉर्मेलिटीज़ रही हैं, उन्होंने हमें कहा कि आपको इतना इसके लिए एरिया चाहिए, इतने यहाँ पे अध्यापक चाहिए और इतना आपको स्टाफ चाहिए। तो हमारे लिए क्योंकि नई संस्था थी, इस करके हम उस लेवल पे उनको वो उनकी अपेक्षाओं पे नहीं आ पाए। अल्टीमेटली उन्होंने हमें एक रजिस्ट्रेशन दी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हमारी की वर्ष 2017 में, और हम उसको आगे ले जाते रहे। हमें बहुत काम करना पड़ा, हमारी रजिस्ट्रेशन एक बार कैंसिल हो गई, उसके बाद हमने इसको दोबारा से आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में फिर हमें टेम्परेरी मिली इसकी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे तकरीबन हमारे जो डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो विज़िट करते हैं इस संस्थान को, तो उन्होंने जब तक इसको रिकमेंड नहीं किया कि ये संस्था बाल आश्रम बनाने के लायक नहीं है, तब तक ये रजिस्टर नहीं हुआ। वर्ष 2019 में मई में हमें परमानेंट रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मिला, तो उसके बाद हमारा उत्साह इस संस्था में काम करने का और भी बढ़ा, हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी। यहाँ 5 से 20 बच्चे हुए, 25 बच्चों की टोटल स्ट्रेंथ हमें मिली है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे इतना ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमने इसमें आहिस्ता हर एक चीज़ को ऐड करना शुरू किया। सबसे पहले हमने इस आश्रम की सफाई के बारे में बहुत ध्यान दिया। हमने ये रखा कि ये आश्रम पहले आश्रम मंदिर की तरह दिखना चाहिए, यहाँ पे फूल बगीचा सब कुछ लगना चाहिए। 1987 से चला हुआ था, यहाँ पे अच्छा एक गार्डन था, फलों का वो था, बगीचा था, पर हमने इसमें फुलवारी वगैरह करके इसकी पेडेस्ट्रियन वाइट वॉशिंग सब काम करवाया, तो ये एक प्रेजेंटेबल कंडीशन में आ गया। फिर हमें बच्चों की इसमें क्योंकि ज़्यादा जरूरत नहीं रहती, यहाँ पे जुबिलेंट जस्टिस एक्ट। मैं सोमनाथ बहल, प्रधान बाल वृद्ध आश्रम तल्याड़ पे इस आश्रम का प्रधान हूँ, और ये आश्रम जो है हमारा सन 1987 से चला हुआ है। ये लाला जया कुमार और चिरंजीलाल मल्होत्रा जी के उनके द्वारा शुरू किया गया था। उस वक्त ये वृद्ध आश्रम था, लेकिन यहाँ वृद्ध ना होने के कारण इसको बाल वृद्ध आश्रम में तब्दील कर दिया गया। पहले हमारे पास यहाँ 7 से 8 बच्चे होते थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 22 तक पहुँच गए हैं। और ये गवर्नमेंट की तरफ से जे एक्ट आया उस 2015 में, तो 2 साल हमारे को ये आश्रम बंद करना पड़ा, क्योंकि जे एक्ट के अंडर हमारे को इसकी रजिस्ट्रेशन करानी थी, उसको कराने में हमारे को 2 साल का समय लगा। अब जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही हमारे पास भेजे जाते हैं, ले और उनका सारा यहाँ का रख रखाव, उसके लिए जो स्टाफ है, खाना पीना है, उसका सहयोग हम जनता के पैसे से करते हैं। हमारे मेंबर हैं 160 और 100 हमारे पास ऐसे डोनर हैं जो हर महीने कुछ ना कुछ, कोई राशन, कोई अपने बच्चों का बर्थडे या मना देते हैं, कोई अपने परिवार में किसी का श्राद्ध है, चबरका है, उसको आके इन बच्चों के साथ शेयर करते हैं यहाँ पे, और बच्चों अपने जन्मदिन, बच्चों के जन्मदिन भी यहाँ मनाते हैं। और हमारे यहाँ पे एक संस्था है ये आर्ट ऑफ लिविंग की, उन्होंने इस आश्रम को समझ लो गोद लिया हुआ है। वो पिछले 4 साल से बच्चों के साथ उनके बर्थडे, उनको पिकनिक पे ले जाना और उनको बाकी चीज़ें, वो यहाँ पे इन बच्चों के साथ जुड़ाव है उनका। और अभी तक हमारे को सरकार से एक नए पैसे की भी सहायता इस आश्रम के लिए नहीं मिली है। जो भी इसमें जो कुछ हो रहा है, ये बिल्डिंग है,
या बच्चों का रखरखाव है, कुछ और है, ये जनता के सहयोग से चला हुआ है। जो हमारे मेंबर और डोनर हैं वो ही हमारे को इसमें सब कुछ दे रहे हैं। उसमें हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से इसमें 10 लोग की इन्होंने रखी है कि मिनिमम 10 लोग होने चाहिए। जैसे स्टूडेंट है, काउंसलर है, उनका हेल्पर है, सिक्योरिटी वाले हैं और हैं, तो टोटल 10 आदमी का स्टाफ है यहाँ पे। तो 20 बच्चों पे 10 आदमी का स्टाफ, उनकी सैलरी निकालना, ये चलो सब कुछ जनता के सहयोग से ही हो रहा है। सरकार के पास हमने इसके लिए अप्लाई करते हुए हमारे को 2 साल हो गए। सेंटर से इसकी एड आनी है लेकिन वो हमारे को अभी तक मिल नहीं पा रही है। कितनी पेंडिंग है? है कितनी पेंडिंग है? वो जो साल ख़त्म हो गई उसमें कुछ नहीं आना है उसमें। अब जो है इस साल की फिर हम अप्लाई करेंगे, उसमें उनका पर बच्चे के हिसाब से है कि उनको डाइट का क्या मिलना है, स्टाफ की सैलरी क्या है, वो सब कुछ सरकार ने इसके लिए किया हुआ है। लेकिन हम 3 साल से हर साल अपने ये भेज रहे हैं लेकिन हमको आज तक ये मिला नहीं। हर साल भी हमने इसको चलाया हुआ है कि जनता का सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा है। कितना अमाउंट की मांग करते हैं हमारा यहाँ पे? अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम महीने का 3-4 लाख रुपए का खर्चा है। 10 बंदों की सैलरी है, बच्चों की पढ़ाई है, कपड़े हैं, स्कूल के ड्रेस हैं, ठीक है। आजकल जैसे कोविड में सबको ये हो गया, बच्चों के लिए हमने कंप्यूटर लगाए हुए हैं यहाँ। हमारे यहाँ इस वक्त 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं जो बच्चों को, यानी कि आज की डेट में कंप्यूटर का ज़माना आ गया, तो वो उस हिसाब से कंप्यूटर उनको सिखा रहे हैं। और एक हमारे पास राइज अप फाउंडेशन वालों ने बच्चों के इसके लिए किया हुआ है कि वो इनको इलेक्ट्रिकल और हॉर्टिकल्चर की ट्रेनिंग दे, उस साथ में कुछ हमारा फंड रहेंगे उसमें, कुछ उनके रहेंगे, वो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ने आपके ऊपर वो लगा दिया है कि इतने स्टाफ होना अनिवार्य है, दूसरी तरफ आपको सरकार की तरफ से अभी तक कोई पैसा नहीं है, कोई राहत नहीं मिल रही है, कोई डोनेशन नहीं मिल रही है, कुछ नहीं। तो इस साल भी आपने मांग की सरकार से? जी सरकार से इस साल मांग की आपने? हमने इसका अप्रैल महीने में हमारे को गवर्नमेंट को अपनी ये भेजनी होती है कि हमारी क्या डिमांड है, वो अभी जानी है इस साल की। पिछले 3 साल गई है उसमें कुछ नहीं आया, और सरकार की तरफ से ये भी नहीं आता कि आपको जवाब, ग्रांट नहीं मिल रही है, कोई जवाब भी नहीं आता उसका। वैसे कि हर साल कितनी ग्रांट मांगते हैं हम? वो हमारा परफॉर्मा बना हुआ है उसमें करीब हमारे को एड आएगी 25-30 लाख रुपए के बीच सालाना। ठीक है। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशन्स ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775, 8091711062।